काला नमक डालने के बाद पुदीना, ये एक दो पत्तियां, ये स्लाइस में कटे हुए इस तरीके से लेमन, हाँ जी लाइम जूस बन रहे हैं इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान, आप देख रहे हैं बाबा फूड आर आर से लाइम जूस की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। लाइम जूस किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, स्टॉक किस तरीके से कर सकते हैं, कारोबार किस तरीके से कर सकते हैं, बेरोजगारी के खात्मे के लिए हम निकले हुए हैं, आप लोग अपनी आमदनी किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। तवज्जो से देखा करें मेरे भाइयों कि लाइम जूस दो तरीकों से बता रहा हूँ आज आपको, तवज्जो से देखें। लाइम जूस तैयार करने के लिए पहला तरीका, इसके साथ का जूसर का जग ले लिया और टेस्टफुल बनेगा, आप टेंशन ना लिया करें, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ये मैं हमारे पास रोस्टेड मूंगफली है, जो मूंगफली होती है आम वो रोस्ट की हुई है, ये 1 और 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने शामिल कर दी रोस्टेड मूंगफली, गल समझ आ रही है। ये हमारे पास है लौंग, ये 4 से 5 लौंग शामिल कर दें जूसर वाले जग में, कोई मसला नहीं है। ये हमारे पास 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक है, ये हम इसके अंदर शामिल करने लगे हैं, ये बारीक बारीक काट के इसमें शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। अदरक शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे लेमन जूस, ये देखें 1/2 कप लेमन जूस शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे काला नमक 1/4 टीस्पून शामिल कर दें, शुगर शामिल करेंगे, ये 1.5 लीटर का जग बना रहे हैं हम, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टेबल स्पून शुगर के शामिल कर दें, या अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। ये ठंडा पानी, चिल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ये शामिल कर दें। इसको ऊपर से कवर लगा दें, यहां पे ले आए, इसको ग्राइंड कर लें बिस्मिल्लाह। इसको हमने बंद कर दिया, यहां पे हम सर्विंग के गिलास, पहले आपको ये सर्विंग का तरीका बता दूं, ये क्योंकि हमने चिल पानी डाला हुआ था ठंडा यख, इसके लिए इसके अंदर जरूरत नहीं है हमें बर्फ की। ब्लैक पेपर, बारीक पीसी हुई काली मिर्च थोड़ी सी इसमें डाल दें, थोड़ी सी इसमें डाल दें, कोई मसला नहीं है। पुदीना, ये 1-1, 2-2 पत्तियां हैं चस्के वास्ते, गल्ला दे होड़ बन गया। ये स्लाइस में कटे हुए इस तरीके से लेमन, लीमू शामिल कर दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाँ जी लाइम जूस बन रहे हैं, गल समझ आ रही है इस तरीके से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। अब इसको हमने इस तरीके से गार्निश कर लेना है, लीमू कटा हुआ इस तरीके से लगा दें, आपने बड़े साइज के गिलास लेने हैं कस्टमर को सर्विंग के लिए, इस तरीके से लगा दें। ये तैयार हो गया हमारा एक स्टाइल, ठीक हो गया। दूसरा तरीका, इसका 2 सर्विंग गिलास ले लिए आइसिंग शुगर 1 टेबल स्पून, इसमें 1 टेबल स्पून, कोई मसला नहीं है। काला नमक ऐवें थोड़ा थोड़ा चस्के वास्ते, 1-1 चुटकी जितना, ये थोड़ा थोड़ा इस तरीके से। ये हमारे पास हो गया स्लाइस लीमू वाले, ये हमारे पास हो गया मिंट यानी कि पुदीना, 2 पत्तियाँ इसमें, 2 इसमें। ये हमारे पास लेमन जूस 1 टेबल स्पून, इसमें 1 टेबल स्पून, इसमें कोई मसला नहीं है। ये हमारे पास हो गया रोज़ सिरप यानी कि फुल्ला वाला सिरप, मार्केट से मिल जाता है, ये 2 टेबल स्पून, ये इसमें 2 टेबल स्पून, ये जितना कस्टमर पसंद करता है उतना, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया वाइट सोडा या इसके कह लें आप स्प्राइट, इस तरीके से। इस तरीके से इसको डाल लें, ये सुभान अल्लाह है,
इन दोनों को लाइम जूस का नाम आप दे सकते हैं। दोनों तरीकों से ये तैयार होता है। साथ में इसके अंदर हम डालेंगे आइस क्यूब, इस तरीके से, इसमें इस तरीके से, इसमें इस तरीके से, और ये इसको रख देंगे यहाँ पे। ये देख लें स्टाइल आप, ये देखें रोज सिरप से तैयार कर दिया, ये रोज सिरप के बगैर तैयार कर दिया। मेरे भाइयों, लाइम जूस का स्टाल आप किस तरीके से लगा सकते हैं, टेस्टफुल लुक वाइज खूबसूरत किस तरीके से बनता है, मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो लाइम जूस की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और ख़ुद घर में बना के पहले ट्राई करें, फिर स्टाल लगाएं। मेरा दावा है, मैं इस तरह आपको नहीं समझा रहा है ठहरे हुए, गल समझ आ रही है। दुआओं में याद रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन लोगों ने नहीं किया बेल आइकन के बटन को दबा दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए और मेरी टीम के लिए दुआओं की दरख्वास्त है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।